हाय गाइस, हेलो एवरीवन। आज से शुरू हो रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच बायलैटरल सीरीज। इस सीरीज में तीन T20 इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे और तीन वनडे इंटरनेशनल्स खेले जाएंगे। मेरे साथ मेरे दो कोलीग्स हैं। आप सब अगर मुझे नहीं जानते, मैं प्रीति दहिया, मेरे साथ करण है और अमृत है, और हम सब इस सीरीज को लेकर मैं बोलूंगी कि मॉडरेटली एक्साइटेड है। एक्साइटेड ज्यादा है हम T20 वर्ल्ड कप के लिए। क्यों करण? T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, अब महीने भर का भी टाइम नहीं रह गया है। उससे पहले अगर मैच प्रैक्टिस चाहिए तो फिर बस यही मौका है टीम इंडिया के लिए। करण जी बिल्कुल, ये एक ऐसा मौका है जिसपे हम लोगों को देखना पड़ेगा कि अब हम T20 वर्ल्ड कप में क्या प्लेइंग 11 हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के पास यही आखिरी ऑप्शन है। अब इस T20 के बाद एक ODI सीरीज जरूर है, साउथ अफ्रीका के साथ ही है, बट ये जो चार मैचेस हैं इसमें हमको देखना होगा कि हमारे बेस्ट खिलाड़ी अब कौन तैयार है, क्योंकि जो है ना हमारा जो फोकस है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए है। ये एज अ ट्रायल है, साउथ अफ्रीका भी इसको जरूर एज अ ट्रायल देख रही होगी क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ खेल रही है, बट हम देखें जो पिचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल अलग होंगे। एज अ ट्रायल दोनों टीम खेलेंगी और सेलेक्ट करेंगी अपने बेस्ट प्लेइंग 11। नहीं करण, इनफैक्ट ये सवाल जो है मैंने इससे पहले जब फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ भी कभी डिस्कशन का मौका मिला, एशिया कप के दौरान भी मिला, मैंने ये सवाल पूछा भी था कि हम जो मेजबानी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की और साउथ अफ्रीका की अपने पिचेस पर, अमृत आप भी इस पर कमेंट दे सकते हैं, इसके पीछे पर्पज क्या है? मैच प्रैक्टिस एक चीज है, लेकिन ये जो पिचेस हैं ये ऑस्ट्रेलिया से ड्रास्टिकली डिफरेंट है। आप अपने आप को टेस्ट किन मापदंड पे कर रहे हो? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब हम कैलेंडर बनाते हैं, BCCI जब ये कैलेंडर ये स्केड्यूल सेट करती है, तो इसके पीछे थिंकिंग क्या होती है? एक क्रिकेट फैन के मन में अमृत आज ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली आई थिंक, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप अगर ये देखें कि क्या प्रिपरेशन पीरियड रहा है। द लास्ट टूर जो इंडिया का रहा था वो रहा था इंग्लैंड का टूर, जहाँ पे आपका सिर्फ एक जो है टेस्ट मैच होना था, वहाँ तो आपने ओवरसीज पिचेस में खेला, उसके बाद आप वापस आ गए। आपका एशिया कप आया वो हुआ था UAE में, UAE की पिचेस काफ़ी अलग हैं, उसके बाद आप इंडिया में खेलते हैं, इंडिया के पिचेस काफ़ी अलग हैं, और वर्ल्ड कप होना है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ के पिचेस ड्रास्टिकली डिफरेंट हैं। दी ओनली पॉजिटिव दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस इज कि आपको एक अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड करनी है अभी भी, जैसा कि करण भाई ने जिस बात पे टच किया था कि रोहित शर्मा के सामने भी काफी सारे ऐसे सिलेक्शन डायलेमा है। आपके पास ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक का एक डायलेमा है, आपके पास डेथ बॉलर का एक डायलेमा है। सो आई थिंक दिस साउथ अफ्रीका सीरीज इज ऑल अबाउट ट्राइंग टू सॉर्ट आउट दोस डायलेमास, कैसे आप अपना एक फिक्स स्क्वाड पे आ जाएंगे। और साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका की आप टीम देखेंगे, दे हैव अ वेरी फिक्स स्क्वाड, दे हैव अ वेरी फिक्स स्क्वाड सिंस द लास्ट टाइम दे केम टू इंडिया। IPL खत्म हुआ था, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने इंडिया का टूर किया था, तब भी उनका एक फिक्स स्क्वाड था, और वहां अगर आपको ध्यान होगा तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, दीज वर ऑल रेस्टेड, ऋषभ पंत वॉज द कैप्टन। So, BCCI and with Indian team, they've all been about, trying to manage the workload. But with other teams, we all see कि उनका जो है एक they've spiral down to the main squad and वो उन्हीं playing 11 के साथ उनको अलग-अलग conditions में test कर रहे हैं। अमृत and शुभम भी आ गए हैं, तो let's introduce him also, हमारे एक और colleague हमें join कर रहे हैं इस chat में। शुभम, हम सब बात कर रहे थे बेसिकली अभी तक कि बेसिकली इस सीरीज के पीछे मकसद क्या है। आप इंडियन के इंडियन पिचेस पे इंडियन कंडीशंस में अपनी टीम को तैयार करके भेज रहे हो कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप खेले। खैर, थोड़े कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ हम अगर इसकी सेंस बनाना चाहें तो मैच प्रैक्टिस कहीं पे भी हो मिलना जरूरी है। दैट्स वन पॉइंट दैट आई अंडरस्टैंड। अब मेरा सवाल ये है जो अमृत ने अभी बात की कि हमें अभी भी अपने प्लेइंग 11 का नहीं पता, हम वो एक्सपेरिमेंट स्टेज से पिछले एक साल से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। और जो करण ने भी पहले जिस इशू पे टच किया कि एक तो डेथ ओवर्स में बोलिंग हमारी सबसे बड़ी हेडेक बना हुआ है इस वक्त, उसके अलावा शुभम, डू यू थिंक हमें रविंद्र जाडेजा एज एन ऑलराउंडर का कोई रिप्लेसमेंट मिल गया है? इजी आंसर है कोई रोहित शर्मा के पास उनके रिप्लेसमेंट के लिए, या उसमें भी अभी एक्सपेरिमेंट चल ही रहे हैं? नहीं, आई बिलीव व्हेन इट कम्स टू, एम आई ऑडिबल राइट नाउ? यस यस, yeah. So as far as the question on Ravindra Jadeja is concerned, his replacement, I think we have got it in form of Akshar Patel. It's just that Akshar Patel hasn't got that much place in the side, a long run like Jadeja. So that is why we feel that ki shayad wo waisa kaam na kar paaye. But Akshar Patel is, unhone Delhi Capitals mein khelte hue bahut acha perform kiya hai, usi role pe 6 aur 7 pe matches jitaye hain. और अभी हाल ही में ही उन्होंने वेस्ट इंडीज में एक अच्छा नॉक खेला था जिसमें इंडिया को उन्होंने मैच जिताया था। तो मेरे ख्याल से एज फार एज जडेजा रिप्लेसमेंट इज कंसर्न, आई थिंक ही इज देयर।
But coming to the point that you raised, you know, earlier, that about the experimentation, and there is too much experimentation just near the World Cup. In the last live, we had discussed this, where Karan and Amrit were there, that we are experimenting way too much, and that too very near to the World Cup. I mean, in the World Cup cycle, जो एक World Cup cycle होता है, उसमें आपको एक साल वही अपना best 11 आपको पता होना चाहिए कि ये होगा. अगर इंजरीज नहीं होती हैं तो हर मैचेस में आपको अपना बेस्ट 11 खिलाना ही खिलाना चाहिए. अभी अभी फिर से एशिया कप के बाद आपने अर्शदीप को, जो आपके 15 में थे, आप उनको एनसीए भेज दिया फॉर हेल्थ कंडीशनिंग कैंप, जो भी था, जो भी उनका बीसीसीआई का अपना वो होगा. उसके बाद से भुवनेश्वर बैठ गए हैं, जो कि आई थिंक ही नीड्स मैच प्रैक्टिस राइट नाउ, नीड्स दैट मच गेम टाइम टू रीगेन हिज कॉन्फिडेंस, गेट बैक इनटू हिज रिदम. नाउ वी डोंट नो ओडीआई स्क्वाड में वो होंगे कि नहीं होंगे. 10 ओवर और 4 ओवर्स में बहुत ज्यादा फर्क भी होता है. तो आई बिलीव कि और राहुल द्रविड़ ने मेरे ख्याल से इंग्लैंड के सीरीज के बाद ही कहा भी था कि फ्रॉम नाउ ऑन, आई थिंक आफ्टर वेस्ट इंडीज ही हैड सेड दैट फ्रॉम नाउ ऑन वी आर गोइंग टू प्ले आवर बेस्ट 11. बट आर वी प्लेइंग आवर बेस्ट 11? आई मीन यू आर रेस्टिंग पीपल एंड यू आर समटाइम्स, आई मीन यू कैन नॉट हेल्प विद इंजरीज, बट रेस्टिंग हार्दिक पांड्या डजंट रियली मेक नो. बट आई अंडरस्टैंड, हां एग्जैक्टली, आई अंडरस्टैंड इफ यू आर रेस्टिंग पीपल बिकॉज ऑफ देयर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस. वो किसी तरह से अपने आप को मैच फिट कर रहे हैं तो ठीक है, आप उनको रेस्ट दीजिए. लेकिन ऑस्ट्रेलिया सीरीज में अगर पहले मैच में आपने जसप्रीत बुमराह को स्क्वाड में रखा है और प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया है, तो सेंस क्या बनता है? करण करेक्ट, अगर इस चीज पर लोगों के सवालों के जवाब भी नहीं मिलते हैं. जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए, मैनेजमेंट बोलती है नो नो वी आर ट्राइंग, वी नो व्हाट इज बेस्ट फॉर टीम, हमारा प्लेइंग 11 क्या है. बट मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन ये है कि योर प्लान इज नॉट क्लियर. आप करना क्या चाह रहे हैं ये क्लैरिटी ही नहीं है. एक इंडियन फैन जो हमेशा, मतलब 2 साल पहले की मैं बात करूं आपको, जब भी कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट होता था तो इंडिया को हमेशा फ्रंट रनर माना जाता था टाइटल रेस में. अब वो जो इंडियन फैन है वो कंफ्यूज स्टेट में जा रहा है, क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग टीम मैदान में उतारी है और हम तो फाइनल तक तो पहुंच ही जाएंगे, वी ऑलवेज लैंड अप विद अ हार्ट ब्रेक. ये हमारे साथ बहुत रेगुलरली हो रहा है, नहीं करण जी? और जैसे कि बिल्कुल अमृत और शुभम ने ये हाईलाइट किए कि हम बहुत ज्यादा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और मेरे को भी लगता है कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट पहली बार इतना हमें देखने को मिला है, क्योंकि अभी भी हम श्योर नहीं है कि हमारे प्लेइंग 11 में वो कौन से खिलाड़ी होंगे. या अगर हम इस सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में भी कई हमें इंजरीज देखने को मिली. हार्दिक पांड्या को रेस्ट किया गया, जसप्रीत बुमराह का अवेलेबल होना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में, तो बहुत सारे सवाल हैं कि आखिरकार टीम में चल क्या रहा है. क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट नहीं करेंगे कि ये हमारे 11 खिलाड़ी हैं, तब तक हम वो प्रेशर दूसरी टीम में नहीं बना पाएंगे. क्योंकि अभी भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि ये होंगे या नहीं होंगे. अगर हम दिनेश कार्तिक और पंत की ही बात ले लें, अभी तक हम बिल्कुल श्योर नहीं है कि हमारी टीम में होगा कौन. हम बात करते हैं कि एक लेफ्टी खिलाना जरूरी है तो हम अक्षर पटेल को खिलाते हैं, फिर हम देखते हैं ऋषभ पंत भी एक लेफ्टी है तो अभी भी वो कॉम्बिनेशन सही नहीं आ रहा है. और जहां पे अक्षर पटेल की बात हुई कि हमें एक रिप्लेसमेंट मिल गया रविंद्र जडेजा का, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस बहुत डिफरेंट है इंडियन पिचेस में. और जैसे हमने देखा अक्षर पटेल की बॉलिंग में, वो इतना टर नहीं था, वो प्रेशर गेम था. आपने देखा होगा कि 8 ओवर वाला गेम था, तो उसमें जरूर बैट्समैन अपने हिटिंग के लिए जाएंगे और विकेट्स जरूर देंगे. बट जब T20 वर्ल्ड कप की बारी आएगी तो मेरे को लगता है अक्षर पटेल को अभी और परफॉर्मेंस अच्छी देने की जरूरत है. नो, आई टेंड टू अग्री विद यू. एक्चुअली थोड़ा सा यहां पे मेरे को भी डाउट्स हैं. और द पॉइंट दैट अर्लियर वी वर रेजिंग कि उनको इतनी ज्यादा मैच प्रैक्टिस भी नहीं मिली है कि आप उनको टेस्ट कर पाए अक्रॉस वेरियस सिचुएशन गेम में जो भी हो सकती है इतने हाई प्रेशर गेम्स में. अब जो ऋषभ पंत का जो केस बनता जा रहा है, आई विल कॉल इट क्यूरियस केस ऑफ ऋषभ पंत. अब ऋषभ पंत के फेवर में क्या चीजें हैं? एक तो वो जो लेफ्ट वाला कॉम्बिनेशन वो प्रोवाइड करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग एक आपको डेप्थ मिल जाती है बैटिंग लाइनअप में. दूसरी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन फिर साथ ही जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि T20 फॉर्मेट में अच्छा नहीं है, क्लिक नहीं कर पा रहे उस फॉर्मेट में जिसके लिए वो नेचुरल प्लेयर माने जाते थे एक जमाने में, कि जिस तरह के वो यू नो हार्ड हिटिंग प्लेयर है या फिर रिस्क टेकिंग प्लेयर है तो T20 में वो ही विल फिट लाइक अ ग्लव. लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो अब बहुत बढ़िया एक डायलेमा खड़ा होने वाला है अमृत सेलेक्टर्स के सामने, टीम मैनेजमेंट के सामने. ऑस्ट्रेलिया में दोनों दिनेश कार्तिक भी जा रहे हैं, ऋषभ पंत भी जा रहे हैं. आपको एक सीनियर गेम फिनिशर चाहिए या एक यंग टैलेंटेड बैट्समैन चाहिए जो फिलहाल इस फॉर्मेट में क्लिक नहीं कर रहा है? एब्सोल्युटली, आई थिंक इससे ज्यादा बड़ा डायलेमा आई थिंक अभी तक यू नो इन द लीड अप टू द वर्ल्ड कप नहीं रहा होगा, बारिंग
द लास्ट वर्ल्ड कप जब वो फोर्थ नंबर का जो बैटर था वो एक बहुत बड़ा इशू हुआ करता था इंडिया के लिए, चार नंबर पर कौन बल्लेबाजी करेगा. उसके बाद से लेकर के अब ये एक नया डायलेमा है. आई थिंक देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू इट. लाइक व्हाट आई फील इज अगर रविंद्र जडेजा फिट होते तो शायद आप एक बार को ये सोच सकते थे कि आप दिनेश कार्तिक को और ऋषभ पंत को एक टीम में खिला सकते हैं, बिकॉज रविंद्र जडेजा गिव्स यू अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. बॉलिंग भी बहुत बिल्कुल लेस के पैकेट की तरह करते हैं, आएंगे ओवर करके और आगे बढ़ जाएंगे. और उसके बाद अब उनकी बैटिंग की हम क्या बात करें. आई थिंक शुभम भाई जो कह रहे थे कि अक्षर पटेल जो उनके रिप्लेसमेंट हैं भी, अगर आप देखा जाए उनके बॉलिंग के टर्म्स में, बट आई डोंट थिंक कि उनकी बैटिंग रविंद्र जडेजा के कंपैरिजन में है. आई थिंक ही हैज बीन ऑन अनदर लेवल सिंस द लास्ट वन ईयर और सो. अब प्रॉब्लम यही आ जाती है कि टीम का कंपोजिशन बहुत चेंज हो जाता है जडेजा की इंजरी के साथ. आपको अक्षर पटेल को खिलाना है, अब लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन मेंटेन करना है तो अक्षर हैज टू बी देयर. अगर ऋषभ आते हैं तो, और आपने एशिया कप में भी वाली चीज देखी थी, पहले मैच में दिनेश कार्तिक खेलते हैं, उसके बाद आप ऋषभ पंत के साथ जाते हैं, और अब सडनली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आप दिनेश कार्तिक को बैक कर रहे हैं एक बार फिर से. तो यहाँ मैनेजमेंट की थोड़ी सी जो सिचुएशन है वो मुझे यू नो क्लियरली समझ में नहीं आ रही. इफ यू डेफिनेटली वॉन्ट अ फिनिशर तो फिर आप उनको खिलाइए ना. जिस मैच में आपको 14th ओवर में आपका एक विकेट आउट होता है, आपका एक बैट्समैन आउट होता है, वहां पे अक्षर पटेल दिनेश कार्तिक के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए कैसे आ सकते हैं. यू वॉन्ट टू गिव दिनेश कार्तिक सम ओवर्स, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू कम एंड हिट सिक्सेस फ्रॉम द गेट गो. फिनिशर का जो रोल है वो 19th ओवर से स्टार्ट नहीं होता है. यू नो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ कि आप एक फिनिशर के तौर पर किसी को देख रहे हो लेकिन उसको उतनी बॉल्स ही नहीं मिल रही है हिट करने के लिए, तो वो आपको अपने आप को प्रूव कैसे करके दिखाएगा. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वैलिड पॉइंट दैट यू आर मेकिंग. एंड शुभम, आई वांट टू कम टू अनदर पॉइंट. एक छोटी सी बात मैं अगर बोलूं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक था, दिनेश कार्तिक ने जितने बॉल्स फेस नहीं किए एशिया कप में उससे ज्यादा बॉल्स डाल दिए थे उन्होंने एज अ बॉलर. So I mean that says all about what we want, you know, that says like what kind of situation this is. होते तो हम उनको वन डाउन भी भेज सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन ऐसा है, बट आप अक्षर पटेल पे भरोसा नहीं कर सकते कि अगर हम लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन देख रहे तो आप अक्षर पटेल को वन डाउन भेज दें. तो वो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी रविंद्र जडेजा का ना होना ये टीम इंडिया के लिए मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है. और आपने भरोसे की बात की तो शुभम, अब देखो अक्षर पटेल पे आपको भले ही भरोसा होगा लेकिन बहुत लोगों को अभी नहीं हुआ है वो भरोसा. अब अपने डेथ ओवर्स में भी नहीं पता किस पर की जाए. जो आपके ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं डेथ ओवर्स वाले वो तो पिट रहे हैं, बहुत ज्यादा पिट रहे हैं. यू नो भूवी के ऊपर कितना भरोसा है और उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया है राइट फ्रॉम एशिया कप टिल नाउ ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी. अब हेडिंग इन टू वर्ल्ड कप अगर आपके ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला भी फेल हो रहे हैं आप क्या करेंगे. मतलब मैं ऑनेस्टली सोच रही हूँ कि एक हेडेक नहीं है, सरदर्द बहुत सारे हैं, लिस्ट बनी हुई है पूरी रोहित शर्मा के लिए. नहीं एग्जैक्टली, आई मीन बट भुवनेश्वर इज एन एक्सपीरियंस कैंपेनर एंड वी हैव टू ट्रस्ट हिम. आई थिंक ही हैज वन मैचेस इन द पास्ट, वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्रस्ट हिम. Yeah, exactly. That's the thing. I mean, near the World Cup, you cannot really make these last minute changes, you know. Sometimes doing this will make you, you know, fix something which is not broken. I still feel you can back Bhuvneshwar. He has had some rough patches, you know, in the last few games. But you have to back him. He has to play. He has to be in the first 11 in the first game for India at the World Cup. Experience ko aap back karoge. Arshdeep is there. I mean, he has a calm nerve. Arshdeep ko mauka milega. मुझे चांसेस कम लगते हैं अर्शदीप को. अर्शदीप इज अ गुड ऑल्टरनेटिव दैट वी हैव इन आवर हैंड्स इन द वर्ल्ड कप, इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड. अगर हम किसी को नहीं खिलाते हैं तो अर्शदीप इज देयर. बट आई स्टिल फील कि भुवनेश्वर विल गेट यू नो द फर्स्ट, ही विल बी इन द फर्स्ट 11 एट द वर्ल्ड कप. रोहित शर्मा इज गोइंग टू बैक द एक्सपीरियंस और वो ऐसे प्लेयर हैं मतलब कि वो आप अगर देखें एशिया कप का पूरा जो कैंपेन गया है तो इंडिया ने डिफेंड किया है और एशिया में डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल, एशिया में डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है. पाकिस्तान में वही टेम्पलेट चल रहा है, इंडिया में वही टेम्पलेट चल रहा है और हमने एशिया कप में वही देखा, यूएई में भी वही चल रहा था. ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है कंडीशंस और जो पेस है, जो बाउंस मिलेगा, मे बी ही कम्स बैक इन फॉर्म एंड मे बी ही विल विन गेम्स. फॉर यू हैव नो चॉइस, एज यू सेड राइटली, यू हैव नो चॉइस बट बैक भुवनेश्वर हु इज डन क्वाइट वेल इन द पास्ट.
Yeah, and sometimes it's good not to have a choice. क्योंकि हमने देख लिया है कि जब choices होती हैं तो वैसे ही हम बौखला जाते हैं. हमें ये नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए. चलिए. And for India to win the World Cup, I think their bowling has to fire. I mean, अगर आपको ICC tournament जीतना है, irrespective of how much you can score 250 on the consistent basis on the scoreboard in 20 overs. But if your bowlers are not firing, you're going to lose all games. So, and वो example आपको Australia series में भी मिल गया. जब आप 208 के total को defend नहीं कर पा रहे, वो भी India जैसी pitches पे. Exactly. में जाके नो मैटर आपके बैट्समैन कितना अच्छा कर ले, अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आप अपने आप को दावेदार नहीं मान सकते हैं उस बड़े टूर्नामेंट के लिए. अब उस पॉइंट पे आ जाते हैं जो हमने शुरुआत में बात की थी कि अब साउथ अफ्रीका की जो टीम आई है ये बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि पिछले 10 महीने में ये तीसरी बायलैटरल सीरीज है हम दोनों के बीच. साउथ अफ्रीका इज द न्यू श्रीलंका इट सीम्स. हम खेलते रहते हैं एक दूसरे से. तो अब साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो मोर ऑर लेस सेटल्ड नजर आ रही है, अनलाइक ऑस्ट्रेलिया जो अपने चार की प्लेयर्स को नहीं लेके आए थे फॉर व्हाटएवर reasons. साउथ अफ्रीका की टीम के लिए करण, इस सीरीज में अगर आप उनको असेस करें, कैसे लग रही है ओपोनेंट हमारे, क्या कुछ सीखने को मिल सकता है इस कंपटीशन से टीम इंडिया को भी, साउथ अफ्रीका की टीम की असेसमेंट बताइए. जी, साउथ अफ्रीका की टीम की बात करें, स्टार्टिंग से वो हमेशा एक कहते हैं ना अंडरडॉग की तरह परफॉर्म करते हैं साउथ अफ्रीका. मेरे को वो याद है वो लांस क्लूजर का समय जब वो उभर के आए थे, किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि साउथ अफ्रीका फाइनल में जाके हार जाएगी, और वो अगर रन आउट ना होते तो वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका का होता. तो साउथ अफ्रीका की टीम चोकर का टैग भी कहीं ना कहीं हमने साउथ अफ्रीका से ले लिया, अब हम चोक कर जाते हैं. जी, बट वो मेरे को लगता है कि इस बार जो है ना साउथ अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रांग निकल के आएगी. उनके पास बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस बार T20 वर्ल्ड कप में कमाल दिखा सकते हैं. एक कंटेंडर है मेरे को लगता है कि इस बार T20 वर्ल्ड कप जीतने का. ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. आप दोनों का क्या कहना है अमृत, शुभम, यू बोथ अग्री? I believe they are if not the best, they are one of the best sides in the world in when it comes to T20 cricket. क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे batters हैं जो सब form में हैं. I think they have this a sweet headache कि हम किसको pick करें, because Tempa Bumrah is coming back after a 3-month layoff due to his elbow injury. और वो रीजा हेंड्रिक्स जो हैं वो कमाल का क्रिकेट खेल रहे हैं. लास्ट 5 इनिंग्स में उन्होंने मेरे ख्याल से 4 अर्धशतक लगाए हुए हैं, और मे बी टेम्पा बुमराह को शायद नीचे खेलना पड़े, शायद उनको ओपनिंग करवाएं. प्लस स्टब्स हैं इस बार इनके, एक उभरते हुए सितारे हैं वो. और यू नो उनके जो अदर बैटर्स हैं जैसे आइडन बाक्रम हो गए, क्विंटन डिकॉक तो है ही, मतलब एक्सपीरियंस जो ओपन एज एन ओपनिंग देते हैं. और उनकी बॉलिंग अटैक देखिए आप, उनकी बॉलिंग अटैक, दे हैव कवर्ड ऑल बेसिस. दे हैव अ गुड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, दे हैव यू नो for a lack of word, they have a Chinaman bowler in Tabrez Shamshi. Then look at the pace attack. I mean, starting from Rabada, Andrik Nokia, Marco Jensen, who's a left-arm pacer, and then you have Lungi and Ngidi and the likes. I mean, it's a great bowling attack. So it will be very difficult. Shubham, interestingly, Indians ke liye bhi ye sare naam naye nahi hai, kyunki itne sare South African players IPL mein khelte hain. भले ही साउथ अफ्रीका एज अ कंट्री बायलैटरल सीरीज इंडिया की तरह बहुत सारी ना खेलती हो, लेकिन इनके प्लेयर्स को एक्सपीरियंस की कमी नहीं है अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन, बिकॉज ये लोग वर्ल्ड लीग्स में खेलते हैं. इनकी अपनी खुद की वर्ल्ड लीग अब आ जाएगी नेक्स्ट ईयर जनवरी में. तो आई थिंक साउथ अफ्रीकन क्रिकेट हैज पिक्ड अप एंड हैज डन अ लॉट ऑफ वर्क इन द लास्ट फ्यू मंथ्स एंड इयर्स. अमृत, योर असेसमेंट ऑफ साउथ अफ्रीकन टीम, एंड देन करण विल कम टू द फैंटेसी 11. बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम उनको हेल्प करें फैंटेसी 11 पिक करने के लिए. सो या अमृत. So yeah, I think for me, I personally don't, for all their credits, you know, South Africa, for all the players, matlab jaise humne baat ki, I don't see them going on and winning the World Cup. For some reason, I don't know. I feel like it has to be either India or Australia or New Zealand. Because solely because of the fact ki agar aapko 2015... India versus South Africa final hai, Amrit bhai. I hope and wahan pe South Africa choke kar jaye. I really hope so. But again, as you rightly pointed out, ki South African players ke paas experience ki kami nahi hai. Wahan pe abhi haal hi mein SA T20 ka bhi auction hua tha. Wahan pe Stubbs, jinki baat ki Shubham bhai ne, he was one of the, like, I mean, wahan pe players ki koi kami nahi hai. They all have so much of experience. Young players bhi jo hai wo aise nikal ke aa rahe hain ki unse aapko bahut umeed hai. And this after a very dark period in South Africa, you know, unki jo history rahi अभी हाल ही में, कुछ समय पहले तक काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तीनों ही फॉर्मेट्स में, और उसके बाद इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आना. सो आई मीन हैट्स ऑफ टू देयर मैनेजमेंट, जिस तरीके से उन्होंने उन चीजों को टर्न अराउंड किया, और उसके बाद अब आगे फ्यूचर बहुत ब्राइट है इस टीम के लिए.
promising to hai at least bright kitna hoga yeah. what i feel is that for South Africa the you know it the cycle will come full as you say I mean because 2015 mein haare the वहां पे ऑस्ट्रेलिया में ही और सारे प्लेयर्स रो रहे थे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है साउथ अफ्रीका दे विल प्ले द फाइनल बिकॉज़ दे आर अ वेरी गुड साइड इन फॉर्म एंड दे हैव अ वेरी गुड कैप्टन डेमा बेवुमा हु माइट नॉट बी एज अग्रेसिव बट आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड चांस एट दिस स्टेज टू अज्यूम दैट इट्स गोइंग टू बी साउथ अफ्रीका एंड इंडिया फाइनल इन ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरी रीच के बाहर है देखते हैं वो तो कहते हैं नॉट इंडिया आई एम नॉट प्रीटी श्योर इंडिया विल अच्छा योर फाइनल इंडिया इज नॉट देयर वेरी इंटरेस्टिंग वेरी इंटरेस्टिंग चलिए अब एक फैंटेसी 11 करण आपने और मैंने बनाई है बाकी लोगों के भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है अमृत ने भी आज मेरे को लगता है अमृत ने भी तो किससे शुरू करें पहले अमृत भाई से शुरू करते हैं चलो डिस्प्ले कर दीजिए फिर अमृत आपकी फैंटेसी 11 क्या है जी आई मीन ऑब्वियसली फॉर यू नो फॉर्म बेसिस सूर्य कुमार यादव आई पिक्ड हिम एज माय कैप्टन पिछला मैच अगर जिसने भी मिस किया होगा बहुत बड़ी गलती की आपने मिस कर दी क्योंकि जिस तरीके के शॉट्स खेले हैं विराट कोहली जैसे बैट्समैन को रुक करके खेलना पड़ा क्योंकि सूर्य हैड टेकन ओवर द मेंटल अपॉन हिमसेल्फ यू नो इंडिया वॉज 36-2 आई गेस उसके बाद विराट कोहली आते हैं उसके बाद फिर सूर्य कुमार यादव आते हैं और वहां से मैच का उन्होंने पूरा तरीके से रुख बदल दिया सो फॉर दैट यू नो फॉर्म बेसिस सूर्य कुमार यादव एज माई कैप्टन आइडन मार्क्रम वी ऑल नो वॉट ही इज केपेबल ऑफ इस फॉर्मेट में एंड एज अ बैट्समैन एज वेल एबल टू एंकर इन द इनिंग्स एबल टू गो फॉर द बिग शॉट्स सो आई हैव पिक्ड हिम एज माई वाइस कैप्टन इसके अलावा क्विंटन डिकॉक हैज टू बी देयर एनी फॉर्मेट ही हैज टू बी देयर रोहित शर्मा ऑब्वियसली एंड विराट कोहली ऑब्वियसली ये तो दो जो इंडियन स्टालवर्ट्स हैं ये तो आपको इंक्लूड करना ही है अपने प्लेइंग 11 में इसके अलावा मैंने ड्वेन प्रिटोरियस को भी अपनी टीम में लिया है अक्षर पटेल को लिया है क्योंकि वो भी अनदर प्लेयर हु हैज बीन इन रिच वेन ऑफ फॉर्म एंड्रेट नोकिया अनदर पेसर हु कैन गेट यू दोज विकेट हिट द टेक बॉलर हैं बहुत यू नो इनका और हमारे यू नो आईपीएल में कॉम्पिटिशन ही चल रहा था इनका तो कि फास्टेस्ट पेसर का जो है वो अवार्ड कौन लेकर के जाएंगे तो एंड्रेट नोकिया है जसप्रीत बुमराह है ककीज और अबाटा है और तब्रेज शमसी है ये आज की मेरी फैंटेसी 11 ओके ग्रेट अमृत का फैंटेसी 11 सामने आ गया शुभम हैड टू गो बिकॉज ऑफ सम रीजन मेरे को लगता है वो मैच के लिए पहले ही जाके बैठ जाएंगे करण यू वांट टू डिस्प्ले योर फैंटेसी 11 जी 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 आज जो मेरी फैंटेसी है उसमें मैं जरूर मैं उनको जरूर बैकअप नहीं मानता हूँ रविंद्र जडेजा का बट जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं तो मेरे को लगता है कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो उस पे लगाएं जो आजकल डिमांड में है तो अक्षर पटेल मेरे वाइस कैप्टन जरूर है बट हाँ केएल राहुल जो है ना मैं इनको बहुत दिनों से बैक कर रहा हूँ उनकी वो पारी देखने को नहीं मिल रही है जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं ओपनिंग में मेरे को लगता है रोहित शर्मा ने भी वो बैटिंग की दिखाई है और विराट कोहली ने भी अपनी फॉर्म दिखाई है बट आज मैं केएल राहुल को बैक करूंगा एज अ कैप्टन और बाकी सूर्य कुमार यादव केएल राहुल के लिए करण ने रोहित शर्मा को डंप कर दिया है वाओ वेरी नाइस नहीं वो आपके पॉइंट्स भी होते हैं तो किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है बट हां आज मैंने रोहित को सैक्रिफाइस किया बड़ा अच्छी चॉइस है जो मैंने दाव खेला वो आज मैंने केएल राहुल पे खेला देखते हैं कैसा रहता है हम जरूर इस पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मैच में तो सूर्य कुमार यादव हाँ। ने क्विंटन डिकॉक है ककीसो रिवार्ड है बॉलर में सब जानते हैं कि वो विकेट टेकिंग है और जरूर मेरे को लगता है कि ये बहुत की बॉलर हो सकते हैं साउथ अफ्रीका के लिए उसके बाद विराट कोहली है बुमराह है मार्क्रम है मिलर है शमसी और ये आज मेरी फैंटेसी है ओके एंड नाउ इट्स टाइम फॉर माय फैंटेसी 11 चलिए हमारी भी फैंटेसी 11 दिखा देते हैं आई एम गोइंग विद मोस्टली अ ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला मैं बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग हूं नहीं तो मुझे लगा कि पॉइंट्स के हिसाब से दिस इज द टीम दैट आई वांट टू पुट टुगेदर इसमें ऑब्वियसली द यूजुअल सस्पेक्ट्स रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों को जगह मिली है सूर्य कुमार यादव आप दोनों ने बोला कि इन्हें तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं किसी भी हालत में जसप्रीत बुमराह मेरे वाइस कैप्टन होंगे क्विंटन डिकॉक अगेन मार्की प्लेयर वो प्लेयर जिसे आप इग्नोर ही नहीं कर सकते जब ये दोनों टीम्स की फैंटेसी टीम बनाई जाए तो कैप्टन का जो काम है मैं उनको दे देती हूँ दिनेश कार्तिक को मैंने चूज किया है एंड अमंगस्ट जो अपने साउथ अफ्रीकन की प्लेयर्स हैं ककीसो रबाडा ऑब्वियसली यू कांट इग्नोर हिम ड्वेन प्रिटोरियस आइडन मार्क्रम सो डेविड मिलर के साथ दिस मेक्स फॉर माय फैंटेसी 11 So the three of us have put together हमारी fantasy 11. देखते हैं हमारे जो viewers हैं वो कितना relate कर पाते हैं इससे लेकिन हमने कहीं ना कहीं कोशिश की है कि आपकी जो fantasy 11 बनाने की जद्दोजहद है उसको थोड़ा सा आसान कर दें हम अपने contributions के साथ. So guys, I think we should leave it at that.
पहला मैच हर सीरीज का इंपॉर्टेंट होता है, 3 मैच की जब सीरीज हो अगर वहां से मोमेंटम मिल जाए तो मेरे ख्याल से आगे और टीम इंडिया के लिए चांसेस हो जाएंगे कि वो एक्सपेरिमेंट और कर लें और 3-4 लोगों को मौका देके देख लें कौन क्लिक करता है कौन नहीं करता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज की तरह पहले मैच में ही सेटबैक मिल जाएगा तो फिर आपके पास ज्यादा ऑप्शन रहते नहीं है। सो लेट्स होप फॉर अ गुड सीरीज एंड लेट्स होप फॉर गुड मैच प्रैक्टिस फॉर द बॉयज, क्योंकि हम सब ऑस्ट्रेलिया की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। फॉर द व्यूअर्स आई थिंक हम तीनों यही अपील कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई कॉमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं कुछ टीम इंडिया के लिए या हमारे लिए, प्लीज फील फ्री कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू थैंक यू।